हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सदर बाजार में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने के दौरान सिलेंडर में लगी आग के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने अवैध रिफिलिंग में उपयोग किए जा रहे उपकरणों को बरामद किया, साथ ही दुकान को सीज कर दिया। शहर में लंबे समय से गैस सिलेंडर द्वारा अवैध रिफिलिंग का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इसी के चलते सदर बाजार क्षेत्र में गैस सिलेंडर में आग लग गई। अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने गैस सिलेंडर को सड़क पर फेंक दिया। इससे बड़ा हादसा टल गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए अनूप सिंह मौके पर पहुंचे। अवैध रूप से रिफिलिंग करने का सामान, 4 नोजल, 1 घरेलू गैस सिलेंडर और 1 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किया, साथ ही दुकान को सीज कर दिया। तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी रसद विभाग को दे दी है। रसद विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कल शाम को तकरीबन 7:30 बजे हमें दूरभाष पर इत्तला मिली कि मार्केट में सिलेंडर में आग लग गई है। उक्त इत्तला पर मैं पटवारी आ रहे के हम मौके पर पहुंचे और मौके पर देखा आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन लोगों ने बताया कि यहां पर अवैध रूप से रिफिलिंग का कार्य लगातार काफी लंबे समय से हो रहा है। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।